गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ WWE 2K23 जहां पे आज हम कंटिन्यू करेंगे शोकेस जॉन सीना का जो है इसमें बहुत अपने एंड पे ही आई गेस दो चार मैच ही और बचे होने चाहिए या उतने भी नहीं है क्या मालूम। लेट्स सी लेट्स गेट इनटू द एक्शन डायरेक्टली। यार मजा आ रहा है इसमें तो बहुत ज्यादा। अभी आज मैच है रैंडी ऑर्टन के सामने, सीधा चलते हैं 4 अक्टूबर 2009। टॉक अबाउट डिफरेंट सुपरस्टार्स, वन वर्ड टू डिफाइन रैंडी ऑर्टन इज नेचुरल। ही मेक्स एनीथिंग एफर्टलेस। Aspects of Randy's personality were glaring even from his first walk down the ramp, and the persona that he shared in Evolution, the persona of the legend killer, I think all of that can be summed up in arrogance. And someone who in the early stages of his career was kind of apprehensive and arrogant about wanting to do the work, admittedly his words, even still when he was apathetic, he looked 100 times better than me at my best. One of the great rivalries in the history of the WWE, Cena versus Orton. I look at my existence with Randy Orton in its totality. I don't think there were two players of that class of 2002 that not only leaned on each other more than Randy and I, but forged the value of that class more than Randy and I. Because Randy and I were put in so many matches to bear the weight of the company, that they kept asking us to do it, and they kept asking us to do it, and they kept asking us to do it, and that's a symbol that you did something right. At Hell in a Cell, when they lock the door, I will destroy Randy Orton. When you compete against someone as many times as I've competed against Randy Orton, there's going to be times when it's not your night, or the match is just going to be. You don't walk into Hell in a Cell thinking good thoughts. Well, maybe Randy Orton does, but a good thought to Randy Orton is a nightmare for anyone else. He told John Cena, quote, "I will not be responding." Now that's scary. भाई Hell in a Cell match versus Randy Orton, हमको तो Randy Orton से खेलना आज, मुझे याद है अच्छे से, ठीक है क्या? Orton interesting match that was made of I'll shoot into the stairs ring side. अच्छा ओके, नीचे जाना पड़ेगा पहले। चलो ठीक है, चल लेते हैं यार। तब तक तुम लोग लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, और सारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना एक बार यार। इजी। रुक जा इधर नहीं, इधर नहीं, इधर 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 आ, इधर आ, इधर आ जा, आ जा स्टेप्स में सीधा। कट सीन आएगा ना रियल? अच्छा नहीं, वाह ये क्यों नहीं हुआ? और फुल स्क्रीन कर लो। हाँ ये हुआ ना, मेरे साथ एंजॉय करो 2K23 का शोकेस। भाई बहुत भयंकर है जो कि अच्छा अंदर। ओके ठीक है, निकला बाहर फेंक रहा। और कमेंट में तुम लोग जो दो मैच तो खेलते ही अपन, जो अच्छा लगता है वो बता देना दोनों में से, और बाकी तो आउट ऑफ 7 रेट कर सकते हो कैसी लगी वीडियो उस हिसाब से भी। फ्रंट लाइट ग्रैपल इस बार का थोड़ा मचाना नहीं, बस मुझे आवाज़ आवाज़ आएगी। मैंने सब चेक तो किया तो सही है। चलो ए फ्रंट लाइट ग्रैपल क्यों नहीं हुआ? अच्छा रिंग साइड, अभी बोला था उन्होंने मचाना नहीं मैंने। चलो कोई नहीं, नेवर माइंड नेवर माइंड नेवर माइंड। नहीं ओ इधर इधर नीचे नीचे फ्रंट लाइट ग्रैपल कर लो क्या बेटे? नहीं अबे बाहर फेंकना था अंदर। वाओ बहुत बढ़िया भाई साहब। तो गाइस ह्यूज शाउट एंड स्पेशल थैंक्स टू आर जॉट मेंबर्स जो हैं नीलेश भाई, अनुजल भाई जो अपने चैनल पे हाईएस्ट रेट मेंबरशिप भी बाय द थैंक्स अलॉट फॉर बींग हमार हाँ बात जॉड मेंबर एंड सपोर्टिंग आवर चैनल। मैं भाई उतर नहीं दे रहा था जब तक वो उठाने। एंड यू शाउट एंड स्पेशल थैंक्स टू आर एक्सट्रीम मेंबर एज वेल जिनका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। थैंक्स अलॉट फॉर बींग एन एक्सट्रीम मेंबर एंड सपोर्टिंग आवर चैनल। ये अपने चैनल पे सेकंड हाईएस्ट मेंबरशिप है, मींस अलॉट। हो गया लाइट ग्रैपल, लेट्स गो भाई साहब। Stop!
भाई इस कट सीन में तो बहुत कुछ दिखाया यार, वो जॉन सीना ने दो बार उसको भाई सब एक मिनट क्या कर रहा है, सेल में मारा, भाग गया वो, ओ भाई ओके सेल में मारा, उसके बाद जॉन सीना आयरिश व्हिप दे रहे थे ये दूसरी साइड के सेल के उस पे पैनल पे, तो उस टाइम ये रैंडी ऑर्टन रिवर्स कर रहे जॉन सीना को, ये जो स्टेयर्स है नीचे उसमें आयरिश व्हिप दे दिया, खत्म नहीं हुआ तुम्हारा, हाँ आ जा ऊपर आ जाया, फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने मारा जॉन सीना को, रुक जा भाई साहब ये कट सीन में तो बहुत कुछ हुआ था, वो फिर स्टील स्टेप्स पे जॉन सीना का सर रख के ब्रूटल भाई रैंडी ऑर्टन खतरनाक ब्रूटल, मेरे को थोड़ा थोड़ा साथ में खेलना भी पड़ता ना, तो उसने भाई साहब वो उसका सर रख के और ऊपर से पैर मार दिया, फिर हाथ पे ही मारा रिस्ट पे, वो जो ओपन उसका जो सिग्नेचर नहीं था जो जॉइंट्स पे मारता उस टाइप से, फिर उसने वो स्टेयर ऊपर फेंकी, बीच में रखी थी वो डीडीटी देने के लिए, अपना जो रोप डबल रोप के बीच में डीडीटी देता है वो देने के लिए, तो जॉन सीना ने वो रिवर्स कर दी, उसके बाद तो यहाँ से तुमने देख लिया जॉन सीना ने स्टेयर उठा के नीचे, फिर इसको नीचे फेंक दिया जॉन रैंडी ऑर्टन को वहाँ से उसके ऊपर स्टेयर फेंकने जा रहे थे और रैंडी ऑर्टन खसक गए, वो तुमने देखा ही होगा शायद, अब मैं क्या करूँ भाई सारे कट सीन तो काट देते हैं ये लोग, तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मैं जितना हो सके उतना बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ था भाई, बहुत देर चला है ये कट सीन, कुछ अराउंड 6-7 मिनट चला है मेरे ख्याल से, अब मैं देख लेता हूँ, वॉज थ्रेटन वॉल एन एप्रन विद अपोनेंट इन रिंग, ओके ठीक है ठीक है, ऐसा करना है क्या, आई थॉट मुझे उसको एप्रन पे ले जाना, मैं वो ट्राई कर रहा था ये बात करने के चक्कर में, बताना तो पड़े ना थोड़ा बहुत जितना भी तुमको समझा पाऊँ, स्टार्ट हो गया खत्म भर गए, सिग्नेचर दे देगा ये, रिवर्स तो होगा नहीं, खत्म भाई, भाई साहब अबे यार छोटी बच्ची भाई रिवर्सल, हेलो मेरे को तो दिखाता ही नहीं, वाह इस टाइम पे आता है इसको, मेरे को पता भी नहीं था, नॉट गोना लाई भाई, नहीं ए मत दियो प्लीज, ए नहीं भाई ए नहीं यार, ये रिवर्सल मिस कर देगा तो ए खाना पड़ेगा तेरे को, पता है खाया चल कला ठीक है जोनिया, फेस स्क्रब या इजी डन, या फ्रंट हैवी डीडीटी, ओके ओके एक नीचे करना है और एक ये राइट, हो गया ये डना डन, ये भी टनाडन, और टन का तो सिग्नेचर मूव है, भाई चेयर लानी है, चेयर लानी है सीने, रो सीने सीने शन, हाँ पर मुंह धो क्या हो रुक जा यार, तेरे को बहुत उंगली इधर पहले खा बस अब सुधर जा, मैं लाऊंगा चेयर नीचे से, रुक जाओ बैठे रहियो उठना मत, मैं लाऊंगा चेयर, अबे उठ जा चल ले भाई, रैंडी ऑर्टन हो गया ब्रो हो गया, प्रेस टॉक, इतनी सारी चेयर ही है, वाओ अबे वाइट चेयर, एक बार पड़ी ये दूसरी खाया और
हैवी कॉम्बो, हैवी कॉम्बो भाई साहब, आया रियल कट सीन इजी। वाह भाई अब आएगा ना रियल कट सीन, हाँ लग रहा है। कर लेगा ये तो। ओ भाई ये कटसीन में भी बहुत कुछ हुआ, वो एसटीएफ का किकआउट करने जा रहा था एकदम एंड तक, लेकिन हेल इन सेल में किस बात का रोप ब्रेक तो वो नहीं कर पाया, फिर वो एप्रन पकड़ के नीचे जा रहा था और ऐसे करके कुछ भी उसने छुड़ा लिया, फिर जॉन सीना फिर से उसको पीछे ला के वापिस से वो देने जा रहे थे, तो ये सीधा होकर इसने किक मारी तो जॉन सीना जाके सीधा लगा रेफरी को और रेफरी चला के सीधा नीचे, फिर जॉन सीना ने फिर से उसको वो एसटीएफ दिया और रैंडी ऑर्टन ने टैप आउट किया, लेकिन रेफरी वॉज डाउन एंड आउट तो देख नहीं पाया, फिर ये रेफरी को ऊपर लेके आया जॉन सीना, तब तक रैंडी ऑर्टन रेडी हो गया और सीधा आरकीओ लगा दिया, फिर पिन किया और 2.5 पे किक आउट किया जॉन सीना ने। ओके अपोनेंट टॉन्ट भाई, ये लेफ्ट हैंड क्राउड टॉन्ट क्या था, लाइट अटैक हुआ क्यों नहीं, ये भाई यार ये हुआ क्यों नहीं, अच्छा डैश इन द कॉर्नर भाई। वापस रियल कटसीन आएगा भाई, कितने ये तो पूरा रियल ही मैच चल रहा है, शोकेस बनाया क्यों फिर इसका, जस्ट किडिंग बढ़िया लग रहा है। वाह भाई शीमस के हाथ फंसा रखे थे उसने रोप में और उसका मुंह ऐसे पकड़ के रखा था, मतलब लॉक टाइप कर रखा था भाई साहब, पंट किक ठीक है। ठीक है और उसके बाद जॉन सीना ने लेकिन गिव अप नहीं किया, वहां पे वो बेहोश टाइप हो गए थे, फिर रैंडी ऑर्टन ने छोड़ दिया, मतलब वो थक गया था, फिर ये आया, अबे क्या हो रहा है ये, हाउ शिट भाई रिवर्स कर दिया इसने, ये मेरी गेम की डिफिकल्टी की वजह से हो रहा है अभी जो भी हो रहा है, जल्दी करना काउंटर रेफरी, किक आउट किया अभी भी, अरे जॉन भैया सीना, अरे नहीं भाई मैच ना हारते हो यहाँ से, अब मैं डिफिकल्टी की वजह से है सब, ये तो सीना बस इजी इजी ब्रो, अब तो पेन करना है बस, नहीं नहीं इज गोइंग फॉर द नो नो एसटीएफ तो बिल्कुल नहीं, हाँ हाँ वो धोया कि नहीं धोए कल जॉन, आई गेस एटीट्यूड एडजस्टमेंट इज द इजीएस्ट फिनिशर टू बी रिवर्स इन दिस गेम, वैसे पता नहीं मुझे ऐसा लगता, वाह ये सब तो रियल में हुआ, तुमने कर दिया लेकिन, अरे अब ऊपर जाके नहीं लड़ेंगे यार, तू मत चल ऊपर मत जा भाई प्लीज, टाइम मत वेस्ट कर अंदर चल, फिनिश करता गेम, अंदर चल ले नबड़ू, चल अंदर चल अंदर, चल भाई अंदर आ जा, आ जा भाई खत्म, आ जा और खा जा जल्दी, रेडी फॉर एन आरकीओ, लेट्स गो
आई टोल्ड यू करना क्या कॉन्फ्रेंस है, नहीं हो रहा क्या? व्हाट अ मैच, मजा आ गया भाई। हेल इन अ सेल जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन, और क्या चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल आरकेओ, ये चैंपियन। और अभी न्यू चैंपियन है उसमें तुम्हारा क्या कहना, करो यार कमेंट्स कुछ तो होंगे शायद, कमेंट वैसे तो नीच करते हो। से रिसेंबल नहीं, बहुत अच्छी लग रही इस बार वाली तो। चलो ठीक है कंटिन्यू करते, मैंने स्किप कर दिया क्योंकि यही बचता रहेगा। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन 2009 वाले और हेल इन सेल एरिना 2009 वाला। लेट्स गेट इन द एक्शन, नेक्स्ट मैच भी चलते ठीक है। ओए कंप्लीट हो गया, वाओ लुक एट हसल ऑन यू स्टेपिंग इन टू द बूट्स ऑफ जॉन सीनाज बिगेस्ट राइवल्स, यू गॉट द जॉब डन, नाउ यू हैव अ बिगर, सुपर इंप्रेसिव, यू सक्सीड, ग्रेट जॉब सो फार, बट देयर स्टिल मोर टू डू। क्या है, ओके वेट, WWE asked to offer over the last 20 years. Oh. Superstars that by hook or by crook managed to accomplish that oh-so-rare feat, a victory over me. I hope you noticed that not one of those matches ended with me giving up. I have a feeling you can guess why. The only question left unanswered is, who was my greatest opponent? And while I could make a strong case for a number of these talent, no problem, I'm more interested in who you, honorable card-carrying member of the WWE Universe, believe that superstar to be. Randy Orton and I waged countless battles. Every time I stepped into the ring with Batista, it was like worlds colliding. Edge was a big pain in my you-know-what for years, and I've never been able to defeat Roman Reigns. Brock and I made history, while Brock took me to Suplex City. AJ Styles and Kurt Angle were peerless. Every encounter with them was a test of nerves that demanded perfection. Rob Van Dam went to the extreme with an arena full of people happy to see him do it. Triple H took a WrestleMania loss to heart and waited for his chance to get revenge. And The Undertaker? Well, he's The Undertaker. So, go ahead, make your choice, and I'll see you both in the ring. I'll just have you know that I'm feeling in tip-top shape. Almost unbeatable. Yeah. तो मैं किसी से भी जाके ट्राई कर सकता हूँ इसको हराने का, ऐसा क्या सीन है ये, क्या ये was my toughest superstar Roman Reigns भाई, पूछ क्या रहा है, let's go. Romans के साथ में मैच होगा एक, या मैं unlimited times कर सकता हूँ ये चीज। Okay, Raw पे आ गए हैं सीधा, रोमन रेंस आते हुए क्या चल रहा है ये, चलो खेल के देखते एक बार। तो रोमन रेंस से खेलने देगा कि जॉन सीना से खेलना, मुझे ये पता नहीं है यार। अगर जॉन सीना से खेलना तो रोमन को थोड़ी हरवाना था मेरे को, ठीक है चलो नेवर माइंड। रोमन रेंस अकेला आएगा कि साथ में आएगा ये भी देखना है मेरे को, इसलिए रुका हूँ मैं। अकेला आ रही योर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, बट हाईलाइट तो पिछला वाला मैच ही था और शोकेस खत्म हो गया। जॉन सीना लेट्स गो, 20 इयर्स ऑफ जॉन सीना, ये तो अभी वाले है। चलो स्किप करते हैं, नेवर माइंड। क्या है इसमें, किससे खेलना है ये बताओ पहले मेरे को, ये क्या है। सीना एंड रेंज, दिस इज गोना बी अ क्लासिक एंड इट मे बी अ शो एज़ वेल, कैन यू बिलीव इट। हेलो, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, अगर रोमन पापा हैं तुम्हारे, यार कोई और ही रखना था ऐसा। ठीक है रोमन के पहले जॉन सीना मेरे फेवरेट थे, लेकिन अभी रोमन के बाद है मेरे लिए। ये क्या था भाई, हो ही नहीं सकता है तो कभी, रोमन साथ साथ ये खाने के बाद भी नहीं करेगा ऐसे। ब्लडलाइन आकर तोड़ दो जरा इसको, ये क्या था भाई, ये फालतू का दिखाने क्या फायदा था। इफ यू बीट जॉन सीना यू बेटर स्टार्ट ऑफ विद अ हैवी कॉम्बो इन द रिंग। हैं ये क्या है, ये क्या है, मेरे को तो कुछ करने ही नहीं दिया था, सीधा कट सीन आया था ना, तो मेरी थोड़ी गलती थी इसमें कुछ, ये क्या है। Hey, हाँ? I hope all those wins didn't get you thinking you were just gonna roll me over. Don't get discouraged though. Happens to the most accomplished superstars in WWE history. And there's no shame in losing to me.
is only shame in giving up. Never give up. Dust yourself off and come back when you're ready. I'll be right here waiting. क्या कर रहा है ये? एक मिनट, क्या मैं हरा सकता हूँ? ऐसा कुछ है क्या? वापिस जाऊंगा मैं, मेरे को देखना है ये क्या कर रहा है. मेरे को ना किकआउट करने दिया ना कुछ. अबे एक में तो मैं वैसे ही नहीं हारता भाई. जॉन वॉन पागल हो गया, ये क्या है मेरे को समझ नहीं पड़ रहा है. ए भाई ग्लिच हो गया, गायब वाला सीना. No seriously, if you want to beat John Cena, you can better start off with a heavy combo. भाई तो पहले क्या था वो? अबे पहले कुछ ग्लिच था भाई. और ये क्या है, ये सीना कैसे हो गया ये भाई? क्या अजीब सी गेम है भाई. हैवी कॉम्बो, अब बताते, रुक जाओ जॉन भैया. हो गया. अच्छा सही में रखा है ये. यू कैंट सी जॉन सीना. ये क्या है भाई, नूब गिरी. अच्छा मैं पिछला वाला हारना ही था, उसमें मैं खेल नहीं सकता था. ठीक है अब रुक जाओ, बताते हैं तुम्हें. जॉन सीना रोमन को हराओगे भैया, इतने बड़े हो गए अब भाई. इसका तो क्या ही स्क्रीनशॉट डालूंगा मैं वैसे. And remind you of this moment for days. One reversal, all it takes, John Cena. One reversal. For both superstars. One reversal. Nasty. The hardest part of the ring. There is nothing but malicious intent when you deal damage out on the apron. मेरे को अभी भी ऑब्जेक्टिव से जाना है, एक तो दिक्कत ही है. Possess superhuman strength. Huh? Cena gets the edge in the power department, and Reigns has an advantage in speed and agility. This is where Cena, bhai, unexpected ending. Devastating submission moves with the STF. Cena needs to. Oh no! Okay. Proved to be extremely detrimental. That is tossing your own body around with care. Taking no account of your own well-being. And finds a counter. And Cena puts a quick stop to the momentum that was mounting against him. Could be what Cena needed to ignite a rally. Sir. When will it happen, sir? Astok added space. सर चलो आ जाओ अंदर, आ जाओ. And he gets delivered back into the ring. ठीक है, फिर से नीचे आ जाओ. Oh, vicious headbutt. He's getting a little batter now. सर. अरे भैया मैं समझ नहीं पड़ रहा, सिग्नेचर अभी खाओगे और मुंह टूट जाएगा. खाओ, उधरो बोला था पहले खाओ. अभी भी समझ नहीं पड़ रहा क्या? चलो ठीक है, स्पीयर खा लो एक. क्या दिक्कत? कैंट सी मी जॉन सीना. वो रिवर्स करते करते इसने ये खाया, मुझे ऐसे क्यों लगा? हो गया क्या? अबे ट्राई टू कनेक्ट विद द फिनिशर इन द रिंग. अबे अब फिनिशर लगाने को बोल रहा है भैया, बचा लेती थी. और अबे घंटा भाई इसमें हार जाऊँ मैं, ऑब्जेक्टिव करने में हार जाऊँ तो मुझे नहीं पता भाई, वरना तो मैं नहीं हारता. ओनी ओनी से इससे क्या अपना मर्च प्रमोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे को तो समझाओ तुम खाली एक बार भाई. रोमन है, रोमन के साथ हम खेलते हैं अपना 200% देते हैं. करना रिवर्सल नहीं हो रहा क्या?
move at a breakneck pace. And there's the Uranage. Landed him. Wayne sizing up the target. Radia. Stamp on this one. Pinfall victory. Easy. Using a resiliency. Okay. Probably one of the closest 2 9/10 counts I've ever seen. And Reigns absolutely can't believe it, but he cannot let that slow him down. Cena telegraphed that. Kena bade ho gaye, sir. Sir. Big time move coming up. Cena thinking hard. Going for a super A. No. No, bro! Just missed it. That is what it takes to topple Reigns. Shoulders down. He kicked out at two. The head of the table almost went to the back of the line on that one. Roman better get it together. And Cena is no stranger to big match moments, but he clearly thought that would be all. Up so bad, dude. कल दिखे या ना दिखे जॉन सीना को हरा देंगे आज सब गूज बम्स आते हैं इसका म्यूजिक सुन के तो चलो कोई नहीं कंटिन्यू करते ये ना दिखने वाला जॉन सीना भी खुल चुका है वाओ नेक्स्ट मैच क्या दिखा रहा है अभी खत्म हो गया ना अब तो That was a hell of a match. But credit where it's due, you got it done. You showed some great moves out there. Yeah, thank you. And you earned a little tip of the cap from me, John Cena. Now, I'm not happy about the loss, but I'll learn from it, and I'll come back better. And we'll see each other again, but for now, I think it's the only honorable thing to say, job well done. And that, my friends, looks to bring us to the end of our time together. Thank you for taking this journey with me. Sometimes it can be difficult to confront the times where we failed, but there's always a valuable lesson and something you can learn from. Yeah. So you can come back even stronger than ever. I've said it before, that a person's character is not judged when they ride that wave of success, when everyone chants their name, when everyone wants to be their friend. Your character is put to the test when your back is against the wall. Each of these matches, despite not giving me the outcome I wanted, are still so important to my career. Yeah. Me as a performer, these were the moments I truly had to live the words I've preached. Never give up. Yeah, it's easier to revel in the best of times, the sense of accomplishment, the physical feats performed, and the opportunity to do it all in front of the best fans in the entire world. Ooh, Rusev wala. That's not 2015. Brought something different out of me, a better version of me, directly because of the lessons I learned, the heart displayed, the grit needed. 20 years. Again, thank you, the WWE Universe, for always. Hold on one second there, John. What? Hmm? What more could there possibly be? John, you're an all-time great. We have 3 of WWE's best legends waiting for you. Grab your gear. Let's go. My gear? Yeah, all right. Yeah, let's do it. क्या करेगा अभी? अबे 2 घंटे की वीडियो डाल दूँ क्या लास्ट में? भाई कुछ तो हो रहा है? ये क्या हो रहा है अब? अबे स्किप करो भाई ये क्या है ये बताओ मेरे को. ये तो चलता है बॉस्टिन बॉस्टिन व्हाट इज दिस फेटल फोर वे क्या हल्क होगन फेटल फोर वे ब्रूनो सामार्टिनो अबे ये खेलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में भाई एक और बना लेंगे पिन ब्रूनो बै सही है भाई क्योंकि बहुत देर हो जाएगी ऑलरेडी इट्स अराउंड 40 मिनट्स में से 25-30 मिनट का तो देखने मिलेगा ही तुम लोग को ये नेक्स्ट में रखते हैं बहुत लेट हो जाएगा फिर कोई नहीं एक एपिसोड और बन जाएगा नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा फिर शोकेस ये लेकिन ये मैच पता चल गया ना क्या है मजा आएगा भाई क्योंकि इसमें इतना सब करना तो टाइम लगेगा
ओए एक मिनट, ये वो है क्या एलिमिनेशन वाला है? हाँ तो ये तो बहुत लंबा चलेगा, मजा आएगा, लेकिन ये खेलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, भाई स्टीव ऑस्टिन को फेस करेंगे। चलो ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, नियरली खत्म हो गया, बस लास्ट मैच बचा, लेकिन अभी तक जो लगा है भाई अपने एक बार कमेंट में बता देना, मुझे तो बेस्ट लगा है शोकेस अभी तक का। तुम लोग बताओ बाकी क्या यार, मजा आया बहुत ज्यादा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अब कमेंट करके जाना।